इसे सुनी आप देख रहे हैं आपका चैनल टेक इलेक्ट्रिक हिंदी। आप लोग आपके चैनल टेक इलेक्ट्रिक हिंदी में बार फिर से स्वागत करता हूँ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ टेक न्यूज का एक सीरीज, जिसमें आपको नए नए न्यूज टेक से रिलेटेड आप तक पहुंचाने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए इस टेक न्यूज को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला न्यूज आ रहा है वो वीवो की तरफ से है। वीवो मोबाइल कंपनी ने अपना एक हैंडसेट, एक मोबाइल लॉन्च कर दिया है जो कि ड्यूअल फ्रंट कैमरे के साथ आ रहा है। जी हाँ, आपको अब वीवो में फ्रंट कैमरा दो देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेकेंड न्यूज की। सेकेंड न्यूज एक सामने आ रहा है कि एक मोबाइल कंपनी ने एक फोन लॉन्च किया है जिसको आप उसे वॉश कर सकते हैं, साबुन वगैरह से उसको साफ कर सकते हैं। एयरटेल ने अपग्रेड की अपने 3G सर्विस को 4G में अपग्रेड कर दिया है। आप 3G सर्विस को 4G की तरह यूज कर सकते हैं, ऐसा एयरटेल का दावा है। एयरटेल कंपनी कहती क्या है, उनका कहना है कि हम एक ऐसा प्लान लेकर आ रहे हैं, एक ऐसा नेटवर्किंग प्लान लेकर आए हैं जिसके जरिए हम 3G सर्विस को 4G में आसानी से कन्वर्ट करके उसको हाई स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, क्या कहता है एयरटेल और जियो क्या क्या करवाता है इन लोगों से। अगला खबर आ रहा है फ्रेंड्स, वो जियो की तरफ से है कि जियो का एक बहुत ही खास ऑफर आने वाला है ब्रॉडबैंड के लिए, टीवी सर्विसेज के लिए, DTS के रूप में। जी हाँ दोस्तों, टेलीकॉम कंपनी में धमाका मचाने के बाद जियो ने एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहा है जो कि ब्रॉडबैंड सर्विस में धमाका मचा देगा। जी हाँ, ये न्यूज आ रहा है कि जियो बेहद ही सस्ती DTS सर्विस स्टार्ट करने वाला है। जी हाँ, वो सर्विस हो सकता है कि 185 रुपीज में स्टार्ट हो जाए। फ्रेंड्स, जो अगला न्यूज आ रहा है वो BSNL की तरफ से है कि BSNL ने गणतंत्र दिवस के अवसर पे एक ऐसा ऑफर लॉन्च किया है जिसके तहत आप 1 रुपए प्रति घंटे से बात कर सकते हैं। आपको 26 रुपए का रिचार्ज कराना होगा और 26 डेज तक आप उसे 1 घंटे 1 रुपए प्रति घंटे की दर से आप यूज कर सकते हैं, जो कि 31 मार्च से लागू हो जाएगा। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गूगल का जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो 7.0 नागट ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज करने के लिए आ चुका है। अगला न्यूज है, उसे अब रिमर कर सकते हैं क्योंकि सैमसंग की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, बट एक मीडिया न्यूज की तरफ से ये खुलासा हुआ है कि सैमसंग S8 29 मार्च को लॉन्च हो सकता है। फोन में आपको देखने को मिल सकता है 5.8 इंच का सुपर एमोलेटेड डिस्प्ले होगा, रेजोल्यूशन 1920x1080 का पिक्सल होगा। यह फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 820 ऑक्टाकोर प्रोसेसर और 4GB रैम से भरपूर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए टेक न्यूज के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।